मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत दिनों के बाद में आज कैमरा उठाया। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा था कि पोजीशन क्या करूं कैमरे की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थैंक्स टू दिस सनरूफ, कितना अमेजिंग सनरूफ है कि उसकी वजह से आपको मेरी शक्ल अच्छी दिखाई दे रही है, रोशनी वगैरह सब फर्स्ट क्लास है। बेसिकली एक बहुत ही सैड न्यूज़ देनी है आपको, बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़, क्योंकि उसने मेरा दिल दुखाया हुआ है लाइक 12-15 दिन हो गए। ओह, अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। बस मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था और एक बहुत दुख भरी कहानी बता रहा था। अच्छा, कि ये है अली भाई। आपने अगर मेरे बाकी के वीडियोस देखे हैं तो पिछले वीडियोस में ही थे, खैर अली भाई, कि कैमरो सोल्ड आउट हो चुकी है और कुछ रीजंस थे पर्सनल, जिसको मैं कैमरे पे बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो लेकिन कैमरो इज गॉन। इस बात का राहुल भाई को बहुत दुख भी है। 12-15 दिन से मैं अली भाई को यही बोल रहा हूँ, कैमरा चली गई। हर बार जब मुझे मिलते हैं तो यही कहते हैं, कैमरा चली गई। तो अभी एक्चुअली अली भाई का फोन आया, उन्होंने बोला कि जो इंश्योरेंस के पैसे आपने ले लिए वापस। मैंने कहा वो क्या होता है? बोला कि इंश्योरेंस अगर एक दो तीन महीने ऐसा कुछ टाइम होता है शायद, उसके अंदर अगर आपने कार अपनी सोल्ड आउट किए तो यू कैन लाइक रिकवर 1/4 और ऐसा इतना पार्ट उसका पैसे का रिकवर कर सकते हैं। 65% 60% आप रिकवर कर सकते हैं। आता है जी। अच्छा जी। तो वो ये अभी लेने जा रहे हैं। इतनी कोई एक्चुअली पैसा आता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आज उतनी हो नहीं रही है यार। क्योंकि ये कुमारों का पैसा है ये। हाँ यार, ये मतलब बहुत दुख हो रहा है यार। कोई बात नहीं, अभी रैप्टर बनाना है। कोई बात नहीं, चलो पैसा लेके आते हैं, उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। प्रियंका, कितने दिनों बाद हम लोग व्लॉग कर रहे हैं ना आज। कितने दिनों बाद हम आज बाहर आए हैं, मतलब बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली कैमरा हाथ में उठाने के बाद में। बाय द वे, जब हम लोग मैं अपनी कैमरों का इंश्योरेंस क्लेम लेने गया था तो वो मिल गया था, उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो मैं डायरेक्टली प्रियंका को लेने आया उसके काम से, और बस हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। प्रियंका, तुझे जब मैंने अपनी गाड़ी सोल्ड कर दी थी तुझे कैसा लगा था? बहुत दुख हुआ था ना। इन इट्स ओके, यू नो टाइम इज द मेडिसिन फॉर एवरीथिंग। इतना भी दुख नहीं हुआ था जितना मतलब उस टाइम ऑन दैट स्पॉट दुख हुआ था, लेकिन कोई दूसरी आएगी सोच के जो पिकअप ट्रक में वो लेके जा रहा था ना, और मैं उसके ओनर को देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसको ना जाके मुक्का मारूंगा, लेकिन वो मेरी चॉइस थी उसको सेल करना, बट इट्स ओके इट्स ओके। Guys, मेरे अभी अभी 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। प्रियंका, नहीं एक्चुअली हाँ, चीयर्स फॉर दैट। Let's go. How did you like my new car? Amazing. Oh guys, by the way, I didn't tell you that this is Lexus GS 350. That means this is V6 6 cylinder 3.5 liter. It produces 303 horsepower and around 300 newton meter of torque. मुझे लगा था गाड़ी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। नहीं, गाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। कैन यू होल्ड द कैमरा प्लीज? नो, इट्स वेरी फार, इट्स गोइंग टू फॉल। देन जस्ट कीप इट असाइड, आई एम वेरी टायर्ड। एंड गाइस, बेसिकली दिस कार इज जस्ट पॉइंट
3.3 seconds slower than Camaro. This car is 0.3 seconds slower than Camaro. Why you cannot say 3? This goes 0 to 100 on 5.7 seconds. Wow, it's really, really fast. Can you imagine, guys, the Challenger V6 goes 0 to 100 in... Fresh air, please. If you can stop giving the description somewhere else. ये गाड़ी गाइस चैलेंजर से 2 सेकंड्स फास्ट है. कैन यू इमेजिन कि चैलेंजर इज अ मसल कार और दिस इज नॉट इवन अ मसल कार. इट्स सो गुड. We'll be right back.